सो हे गाइस, ऋतिक रोशन की मूवी विक्रम वेदा जो कि काफी टाइम पहले ही सिनेमा घर के अंदर रिलीज कर दी गई और थी। साथ ही में काफी लंबे समय के बाद ऋतिक रोशन विक्रम वेदा मूवी के साथ ही कमबैक किए अभी सिनेमा घर के अंदर। लेकिन इस मूवी का रिस्पांस थिएटर के अंदर कुछ अच्छी खासी नहीं रही और इसको केवल ऋतिक रोशन के फैन के द्वारा ही रिस्पॉन्स मिल पाई। साथ ही में बात करें तो ऋतिक रोशन की मूवी विक्रम वेदा जो की साउथ की मूवी विक्रम वेदा की ही रिमेक, जो विक्रम वेदा मूवी है उसका हिंदी डब ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसकी वजह से विक्रम वेदा ऋतिक रोशन की मूवी को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाई। इसी के साथ बात करें तो ऋतिक रोशन की मूवी विक्रम वेदा जिसकी काफी हाइप बनी हुई है ओटीटी पे देखने के लिए, बात करेंगे इसके ओटीटी के बारे जो में। जो अपडेट निकल के आई है उसके हिसाब से ये मूवी हमें 9th ऑफ जनवरी को देखने मिलने वाली है। साथ ही में बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इसके ऊपर काफी विवाद खड़ी होती नजर आई, कभी नेटफ्लिक्स के पास तो कभी उससे रिटर्न होके, ऐसी ऐसी काफी सारी चीजें देखने मिले थी। लेकिन अभी ये कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी हमें वुड सेलेक्ट या जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे देखने मिल सकती है। साथ ही में बात करें तो वुड सेलेक्ट और जियो सिनेमा दोनों साथ में मर्ज होने वाले हैं, इनके कंटेंट मर्ज होने वाले हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म पे हमें ऋतिक रोशन की मूवी विक्रम वेदा देखने मिलने वाली है। तो इसी के साथ एक बार और आपको बता दूं कि विक्रम वेदा ऋतिक रोशन की मूवी आपको 9th ऑफ जनवरी को वुड सेलेक्ट के प्लेटफॉर्म पे देखने मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो की कोई भी पार्ट आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक, अगर आपको मूवीज वेब सीरीज या बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, और इसी तरह के मूवीज वेब सीरीज ओटीटी अपडेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।